हाय फ्रेंड्स, मेरी क्रिसमस। मेरे सभी व्यूअर्स को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे उन सभी के लिए भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। जीसस आपकी हर मनोकामना को पूरी करे, आपके ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली बना के रखे। तो आज क्रिसमस है और मैंने भी कैंडल जलाया है, जीसस के पास किया है प्रेयर, और प्रेयर के बाद ये है क्रिसमस केक। और मैं आप सभी को खिला तो नहीं सकती, पर ये खुशियाँ मैं आपके सभी के साथ बांटना ज़रूर चाहती हूँ, इसीलिए आपके साथ इसे शेयर भी कर रही हूँ। तो हैप्पी क्रिसमस हो, और हम जीसस को उपहार में फूल ना दे ये तो हो ही नहीं सकता। ग्रीन प्लांट और फ्लावर्स, नेचर, डिवाइन, गॉड, यूनिवर्स, ये सारे कुछ तो एक साथ हिले मिले हुए हैं। तो मैंने भी अपने डेकोरेशन के लिए अपने ही बगीचे के कुछ हरे भरे प्लांट्स को चुना है, जिनसे मैं अपने जीसस की जो प्रेयर के समय मैं जो डेकोरेशन करती हूँ, क्रिसमस के दिन जो मैं डेकोरेशन करती हूँ, उसका एक हिस्सा जो ग्रीनरी होता है वो मैं अपने ही टेरेस गार्डन के प्लांट्स से और इंडोर प्लांट्स की मदद से ही करती हूँ। और ये जितने फूल मैं उन्हें भेंट करती हूँ, उन्हें उपहार देती हूँ, ये फूल भी ज़्यादातर मेरे बगीचे के ही होते हैं, और कुछ फूल मैं नर्सरी से लेकर आती हूँ। तो इस साल मैं हर साल की तरह नर्सरी जाकर फूल नहीं ला सकी, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है, मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश हो रही है, और इस वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने अपने ही टेरेस गार्डन के फ्लावर्स को और प्लांट्स को चुना है, अपने कुछ इंडोर प्लांट्स को चुना है, और इनसे ही मैं क्रिसमस की सजावट करूंगी। तो ये मैंने क्रोटोन का पौधा सिलेक्ट किया है, जिनको मैं इंडोर प्लांट के हिसाब से अपने घर में लगाई हुई हूँ, रखी हुई हूँ। तो मैं इन सारे प्लांट्स को मैं सजाऊंगी। तो क्रोटोन को मैं इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि क्रोटोन जो है वो उसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि फिर उसमें फ्लावर की कमी महसूस नहीं होती। तो चूँकि ये ग्रीन और येलो डॉट्स लिए हुए ये क्रोटोन मेरे कमरे के कलर से मैच खाती है, तो मैं इन्हीं कलर के क्रोटोन के पौधों को चुनी हूँ, जिनसे मैं अपने घर की सजावट करूँगी। तो क्रोटोन का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बहुत इजीली ग्रो भी हो जाता है, और जिसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत होती हैं, और अगर आप इसे बुशी बना लें तब तो ये अपने आप में खूबसूरती को लिए हुए चार चांद लगा देती हैं। और बुशी बनाने का तरीका, जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया है अपने वीडियो में, इसी तरह आप भी अपने क्रोटोन को बुशी बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको इसकी जो है पिंचिंग करनी होगी थोड़ी थोड़ी, और इससे ही जो है ये बुशी बनता चला जाएगा। इसके सामने के जो टहनियों के टिप्स होते हैं उन्हें हल्के हल्के अगर आप छांट देंगे तो ये पौधे अपने आप बुशी हो जाएंगे। और मैंने इसे बहुत ही छोटे छोटे गमले में लगाया हुआ है, क्योंकि नीचे धूप भी कम है और स्पेस भी मेरे पास ऐसे नहीं है कि मैं इन्हें बहुत बड़ी जगह में लगा सकूं। खुला जगह नहीं है नीचे मेरे पास, तो मैं ज़्यादातर अपनी गार्डनिंग जो है वो टेरेस पे ही करती हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कुछ क्रोटोन्स के पौधे मैं इस तरीके से नीचे अपने इंडोर प्लांट्स में ऐड की हुई हूँ, और मैं इन्हीं से ये डेकोरेशन करने वाली हूँ क्रिसमस की। तो फ्रेंड्स, क्रोटोन के पौधे बहुत इजीली ग्रो होते हैं, इसलिए इनको लगाना भी आसान है, ग्रो करना भी आसान है, और ये इंडोर भी ग्रो हो जाते हैं। तो ये उन सभी घरों के लिए, फ्लैट्स के लिए भी काफ़ी
आसानी से उगाने वाले पौधे में गिने जा सकते हैं, जहाँ की स्पेस कम है, धूप कम है, रखरखाव की कमी है, तो इन सभी जगह में ये अपने आप को काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आज का वीडियो मैं आज यही ख़त्म कर रही हूँ। क्रिसमस का त्यौहार है, सभी मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ मनाइए, पूरे विश्व के लिए शांति की, खुशियों की प्रेयर करिए और आप सब खुश रहिए, बहुत बहुत सेहतमंद रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अपने किसी एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस।